2020 टोक्यो ओलंपिक, जो ओलंपिक गेम्स होंगे वो जापान में होंगे, टोक्यो में। 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए, टोक्यो ओलंपिक के लिए शेफ डी मिशन, 2020 के लिए, 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए शेफ डी मिशन के रूप में वीरेंद्र प्रसाद वैश्य, वीरेंद्र प्रसाद वैश्य को नामांकित किया गया। लिखिए, छह राज्यों ने रेणु बांध परियोजना, छह राज्यों ने रेणु बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किए। उन छह राज्यों का नाम लिख लीजिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, और हरियाणा। छह राज्यों को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड। आगे लिखिए, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन ओडिशा में आयोजित किया जाएगा। आगे लिखिए, भारत और डेनमार्क ने समुद्री मुद्दों पर समझौता किया, समुद्री मुद्दों पर हस्ताक्षर किया। सर्वभाषा कवि सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया था। अगर आपको पूछ ले कि सर्वभाषा कवि सम्मेलन किसने आयोजित करवाया था, ऑल इंडिया रेडियो ने चेन्नई में सर्वभाषा कवि सम्मेलन आयोजित करवाया था। लिखिए, ताइवान के प्रधानमंत्री सू सेंग चांग को बनाया गया। मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष उन्नीकृष्णन नायर होंगे। हरेंद्र सिंह को भारतीय हॉकी टीम के कोच पद से हटाया गया। हेनले पासपोर्ट की सूची में
भारत का स्थान एनएलए पासपोर्ट की सूची में भारत का स्थान 79 हो गया है। एनएलए की सूची में भारत का स्थान 79 हो गया है। देखिए जो एनएलए पासपोर्ट है ना, ये एक इंडेक्स है, एक लिस्ट निकालता है कि तो दुनिया में सबसे पावरफुल पासपोर्ट किस देश का है, ये एक इंडेक्स निकालता है। तो पहले इंडिया के जो स्थान था वो कौन सा था, 81, अब कौन सा हो गया 79, मतलब अच्छा हो गया, दो स्थान और पावरफुल आ गया। सबसे पहले जापान था, पहले सिंगापुर था, फिर जापान था, फिर यूए भी आ गया था, संयुक्त अरब अमीरात, अब वापस कौन आ गया है, जापान। तो नीचे लिख लिया सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान। टॉपर आगे लिखिए, केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार में 3 नए एम्स खोलने की अनुमति दी। नाम आप रहे, पहले लिखिए कश्मीर, कश्मीर में पुलवामा, पुलवामा जिला है। कश्मीर में पुलवामा, उसके बाद है जम्मू, जम्मू में जगह है जांबा, जम्मू में जगह है जांबा, जम्मू में सांबा, और तीसरा है उत्तर प्रदेश में लखनऊ। ये तीन जगह एम्स खोले जाएंगे, कश्मीर, जम्मू और उत्तर प्रदेश। अभी दो एम्स नए और खोले थे, अभी काफी बोले थे एम्स दो की अनुमति दी थी पिछले 8-10 दिन पहले। SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, कल पता करके आना, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड उसको बोलते हैं SCG की, SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता SCG सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता विराट कोहली और रवि शास्त्री को दी गई, रवि शास्त्री और विराट कोहली को दी गई। क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, वहां की मेंबरशिप दी जाती है, तो अभी मेंबरशिप उसको दी है विराट कोहली, रवि शास्त्री। केवल दुनिया में दो ही क्रिकेटर ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को छोड़कर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो ग्राउंड है ही वो, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को छोड़कर जिनको सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता मेंबरशिप दी गई है, वो इनको छोड़कर है सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा को ही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड की मानद सदस्यता दी गई थी, उसके बाद कल विराट कोहली और रवि शास्त्री को दी। तो भारत की तरफ से 3 हो गए और एक वेस्ट इंडीज की तरफ से, वो ब्रायन लारा, ठीक है। आगे लिखिए मशहूर बैंकर, मशहूर बैंकर और आम आदमी पार्टी नेता, आप नेता, मशहूर बैंकर और आप नेता मीरा सान्याल, मीरा सान्याल का निधन हो गया, ब्रैकेट में मेरे कैंसर से। IIT मद्रास, IIT मद्रास ने लेबोरेटरी में, IIT मद्रास ने लेबोरेटरी में स्पेस फ्यूल, स्पेस फ्यूल
को प्राप्त करने में सफलता हासिल की। स्पेस फ्यूल बना लिया, जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, और अंतरिक्ष में जाने में जो रॉकेट प्रोब जो ईंधन लगता है, वो ईंधन उन्होंने कहाँ बना लिया? लेबोरेटरी बना लिया। ठीक है, सेना दिवस परेड, सेना दिवस परेड, सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार, सेना दिवस परेड कार्यक्रम में पहली बार सैन्य टुकड़ी, सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व, पहली बार सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व भावना कस्तूरी ने किया। वेनेजुएला, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, निकोलस मादुरो को बनाया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में सीबीआई जांच, राज्य में सीबीआई जांच को प्रतिबंधित किया। आपको पता है कि इससे पहले दो राज्यों के मुख्यमंत्री और बोल चुके हैं कि हमारे राज्यों में सीबीआई बिना अनुमति के जांच नहीं करेगी, वो है आंध्र प्रदेश था चंद्रबाबू नायडू, और दूसरा पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, और तीसरा राज्य कौन सा बन गया? छत्तीसगढ़, भूपेश सिंह बघेल। मतलब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि हमसे बिना पूछे सीबीआई जांच किसी मामले में नहीं होगी। ठीक, लास्ट लिखिए सत्रहवा, सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा, सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा ने अपने फायर सर्विसेस, ने अपने फायर सर्विसेस पद से भी इस्तीफा दे दिया है। फायर सर्विसेस पद से भी इस्तीफा दे, फायर सर्विसेस के डीजी थे वो, डीजीपी। ये आपके हुए 11 जनवरी के करंट अफेयर।